अदब की माँ अलाव करेंगी धैर्य को उन्हीं के साथ उन्हीं के बीच परिवार बनकर रहने के लिए। तो वो यहाँ रहेगा। आप अंदर आइए। One second। यह आदमी उस धोखे की पहचान है जो आपने और इसकी माँ ने मिलकर मेरी मॉम को दिया है। अथर्व, मैं इसके साथ नहीं रहने वाला। अगर ये इस घर में रहेगा तो ये घर छोड़ के मैं चला जाऊंगा। इमली चलो। अथर्व जी, हमारा और आपका इस परिवार को छोड़ के जाना सही नहीं है। और मुश्किलों में परिवार के साथ बैठ के हल निकाला जाता है, परिवार को छोड़ के खुद निकला नहीं जाता। तुम मेरे साथ चल रही हो, हाँ या ना? अथर्व, इस परिवार को हम दोनों की जरूरत है। मुझे तुम्हारी अथर्व देगा इमली को 5 बजे तक का अल्टीमेटम, सब कुछ छोड़कर उसके साथ जाने के लिए। 5 बजे तक का टाइम है इमली, अगर सब कुछ छोड़कर मेरा साथ देना चाहती हो तो दिल्ली नोएडा हाईवे पे मेरा इंतजार करना 5 बजे, वरना मैं समझ जाऊंगा तुम्हारे लिए कौन ज्यादा जरूरी है। और फिर मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगा। धैर्य की वजह से अथर्व लेगा घर छोड़ने का फैसला, और इमली का साथ क्या वो पा पाएगा? आप फिक्र मत करिए, इसका गुस्सा कम होगा, ये लौट आएगा। मैं अब नहीं आऊंगा। अतू, अतू, इन सब सिचुएशन की वजह से इमली को लगेगा सदमा और वो हो जाएगी बुरी तरह बेहोश। इमली मैडम, इमली, इमली क्या हुआ इसे? आकाश, डॉक्टर को फोन लगा जल्दी। इमली, रिपो, पानी ला। हाँ बोल। किन्नी भैया को कॉल कर। हाँ लगाती हूँ, लगाती हूँ। भैया तो फोन नहीं उठा रहे। ट्राई करती रहे। एक काम करते हैं, इसे अंदर लेकर चलते हूँ।